गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैरामाउंट विजन। वंस अगेन आई एम विथ यू विथ अ पोएम। प्यारे दोस्तों, आज मैं एक कविता पाठ करने जा रहा हूँ। पिछले दिनों हमने कुछ घटनाएं देखी सुनी, उसने मेरे मन को थोड़ा सा उद्वेलित किया। एक रिपोर्टर पर महाराष्ट्र में बहुत सारे केस कर दिए गए, घंटों तक पुलिस ने उनसे पूछताछ की। एक रिपोर्टर को शाहीन बाग में धक्का मारा गया। एक रिपोर्टर पर केरला में देशद्रोह का मुकदमा चला दिया गया। इस तरह से हमने देखा कि रिपोर्टर पर विभिन्न प्रकार के हमले हो रहे हैं, उन्हें डराने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर रिपोर्टर भी तो एक इंसान है जी, वो भी दिन रात मेहनत से काम कर रहा है, और उनके साथ अगर ऐसा व्यवहार हो जाएगा तो वो कैसे रिपोर्टिंग करेंगे। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है प्रेस। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज के युग में बहुत ही जागरूक है, और भारत जैसे देश में वो बहुत बहुत आगे है, तो किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक रिपोर्टर की जिंदगी पर ही मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद अवश्य आएगा। कविता का शीर्षक है मैं भी हूं एक इंसान। कविता पाठ इस प्रकार है। मैं भी हूं एक इंसान, मेरा काम नहीं आसान। मैं भी हूं एक इंसान, मेरा काम नहीं आसान। दर्शकों तक पहुंचाता हूं सारा जहान, करता हूं रिपोर्टिंग हथेली पर लेकर जान। मैं भी हूं एक इंसान, मैं कहीं श्वेता सिंह हूं तो कहीं सुधीर चौधरी। मैं कहीं श्वेता सिंह हूं तो कहीं सुधीर चौधरी। मैं कहीं दीपक चौरसिया हूं तो कहीं निधि राजदान। मैं कहीं दीपक चौरसिया हूं तो कहीं निधि राजदान। आम लोगों के लिए करता हूं काम तो कभी खास भी होते हैं हमारे मेहमान। कहीं पाता हूं सम्मान तो कहीं होता है भीषण अपमान। कहीं पाता हूं सम्मान तो कहीं होता है भीषण अपमान। मैं भी हूं एक इंसान। कश्मीर के आतंक के साए हो या लद्दाख में हाड़ कपाने वाली ठंड, रिपोर्टिंग का काम कतई नहीं है आसान। शाहीन बाग में देशद्रोहियों के धक्के हो या महाराष्ट्र में पालघर से संबंधित रिपोर्टिंग पर मुकदमे। शाहीन बाग में देशद्रोहियों के धक्के हो या महाराष्ट्र के पालघर में मुकदमे। हम नहीं होते कभी परेशान। हां, दुख होता है जब सच्चे काम के लिए मिलता है ऐसा अपमान, क्योंकि मैं भी हूं एक इंसान। धन्यवाद। उम्मीद है आप ये कविता पसंद करेंगे और बेल आइकन दबाते हुए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे यदि नहीं किए हैं तो, और इसे शेयर भी जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।